पास जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। अब अगर उनका एक मुतालबा हमने मान लिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जो कहें हम मानते चले जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। अरे फिकर ना कर, मेरा नाम भी शमशा है। एक बार निकाह हो जाए मेरी बेटी का, फिर देखना मैं रहमत से कैसे जेवरात निकलवाती। क्यों नहीं दे सकती मामा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबरा आंटी वफा को अपनी बहू बनाने के इरादे से पीछे हट रही? ये रिश्ता बात है सायरा, एक तो बाबरा की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ और तुम हो के मामा, ऑल ऑफ अ सडन बाबरा आंटी के बिहेवियर में चेंज। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि गड़बड़ है? मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, कितनी ख्वाहिश थी उसे वफा को अपनी बहू बनाने की। वफा की शादी के बाद भी दोनों माँ बेटे ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, उन्हें हर हाल में वफा कबूल थी। लेकिन अब उसे क्या हो गया? क्या चाहती है वो? इंतकाम। इंतकाम? किस बात का? बंटी को ठुकराने का गुस्सा आज भी बाबरा आंटी के दिल में पल रहा है। मुझे तो साफ लगता है कि वो महज वफा का घर बर्बाद करने के लिए उसे तलाक दिलाना चाहती है। डाइवोर्स होते ही वो पीछे हट जाएंगी, बल्कि आप अभी से उनके बिहेवियर में चेंज देख सकती हैं। साफ लग रहा है कि फैसला वफा के हक में होगा और उसे खुला मिल जाएगी। मामा मैं कहती हूँ कि अब भी सोच लें, ऐसा ना हो कि तीर कमान से निकल जाए और हम पछताएं। बंटी और बाबरा आंटी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रिश्तों की कमी नहीं है मेरी बेटी के लिए, तलाक हो गई तो क्या हुआ? हमारे पास इतना कुछ है देने के लिए कि रातों रात बंटी से अच्छा रिश्ता हम देख सकते हैं। हर लड़का रहमत की तरह पागल नहीं होता जो सिर्फ चार कपड़ों में ब्याह कर ले जाने की बात करे। मुझे हर हाल में रहमत से वफा को तलाक दिलवानी है, चाहे उसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े। सारा, तुम्हारे निकाह का बंदोबस्त हो चुका है, हमने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। निकाह के इंतजामात में बल्कि इतनी धूमधाम से तो मेरी भी शादी नहीं हुई थी जितना एहतमाम तुम्हारे निकाह की रस्म पर हो। जरा मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। आपको क्या लगता है भाई कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं अम्मी को बता चुकी हूँ कि अम्मी अबू की खुशियाँ में मेरी खुशी है और आप सब लोगों का फैसला मेरी सर आंखों पर है। सैनत, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं था। मैंने कहा ना भाई कि सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसका मतलब है कि तुम खुश नहीं हो। मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती है भाई, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है कि हम ये बातें डिस्कस अब करें। फिर भी जैनब, कभी भी तुम्हारे जहन में कोई भी बात आए तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो खानदान की खुशियों के खातिर अपनी बहन की खुशियों का सौदा करते। वैसे भाई
आपने मुझे माफ तो कर दिया ना, पहली और आखिरी बार। अब अगर तुमने भाई के बजाय किसी और पर एतबार किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं समझी, आप मुझसे अभी भी नाराज हैं और आपने मुझे माफ नहीं किया अभी तक। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो इसलिए कि आपने अभी तक सजीला को कुछ नहीं कहा। क्या आपको ये लगता है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया सजीला के बारे में सब झूठ था? मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ और सचू को भी। मैं तो बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, उस धोखे की सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें फोन करने वाली। इसका मतलब दिल को दिल से राह होती है। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मेरी कॉल का इंतजार कर रही हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा यहाँ गुस्से से बुरा हाल है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं हूं ना, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए? रहमत को सबक सिखाना। काम मुश्किल तो नहीं है, क्या है ना कि उसका हाथ थोड़ा जोरदार और भारी है। लास्ट टाइम हाथापाई हुई थी, अभी तक कंधे में दर्द है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई और काम है तो हुक्म करो। मैं जानती थी रहमत के नाम पे तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। ना दिमागी तौर पर, ना ताकत के बल पर तुम इसे हरा सकते, क्योंकि वो हर मामले में तुमसे जीत जाता है। देखो, हम दोनों ने मिलकर वफा और रहमत को अलग तो कर दिया है, लेकिन इस अलहदगी का ना तुम्हें कोई फायदा हुआ है ना मुझे। देखो, तुम जानते हो मेरा और जैनब का निकाह एक साथ हो रहा है। सारा जेवर पैसा उसी के ऊपर लुटाया जा रहा है और मेरे लिए इन लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे सादगी और किफायत शारी के लेक्चर दिए जा रहे हैं सिर्फ इसी बात पे कि मैं उनसे कोई डिमांड ना करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। शादी रुकवा दो। क्या? अब लेकिन इतनी मुश्किल से तो। मैं तुम्हारी और रहमत की शादी की बात नहीं कर रहा, मैं जैनब की शादी की बात कर रहा हूँ। जैनब की शादी रुकवा दो। और सुनो, सरमा क्या हुआ? हमारी बच्ची। ओहो, लगता है कोई बुरा ख्वाब देख लिया तुमने। क्या हुआ जैनी को, बताओ कुछ। मैंने, अरे देखो, तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है और वो तुम्हारे जहन पे सवार है। तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने कि आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, लेकिन तुम हो के बात मान के ही नहीं देती। और एक तो ये टीवी ड्रामों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है। जितनी नहुसत है इन टीवी ड्रामों की फैलाई हुई है। वो ड्रामे देखती हो और वही दिमाग में बार बार तुम्हारे घूमता रहता है। मत देखा करो ये ड्रामे। चलो अब आयतुल कुर्सी पढ़ो और आराम से सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ख्वाब देखा, जैनब जारू कतार रो रही है और वो दुल्हन बनी हुई है और खूब रो रही है, और अचानक कोई आता है और उसके सर से दुपट्टा नोच लेता है। मुझे तो डर लग रहा है, अभी हमारी बेटी का निकाह होने वाला है, कहीं कहीं कोई बदशगुनी ना हो जाए। सलमा बेगम, कोई बदशगुनी नहीं होती, ये तुम्हारे अपने दिमाग में बातें फंसी हुई हैं। दिमाग का फतूर है, मनफी सोचती रहती हो और वही तुम्हारे सामने ख्वाब में आ जाता है। अल्लाह खैर करेगा। तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा है कि मनफी सोचों से गुरेज करो, अल्लाह पे भरोसा करो, उस पे तवक्कुल रखो, वो जो करता है बेहतर करता है।
और हमारी जैनी के हक में भी वो बहुत बेहतर करेगा। मत घबराओ, आयतुल कुर्सी पढ़ो और आराम से सो जाओ, सुबह बहुत काम करने हैं। मैं क्या कह रहा हूं, दुपट्टा लो सर पर। आयतुल कुर्सी पढ़ो आंखें बंद करके। मैं भी लेट रहा हूं, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखती रहती है। देखो तुम जानते हो मेरा और जैनब का निकाह एक साथ हो रहा है, सारा जेवर पैसा उसी के ऊपर लुटाया जा रहा है और मेरे लिए इन लोगों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे सादगी और किफ़ाया शारी के लेक्चर दिए जा रहे हैं सिर्फ इसी बात पे कि मैं उनसे कोई डिमांड ना करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। शादी रुकवा दो। क्या? अब लेकिन इतनी मुश्किल से। तो मैं तुम्हारी और रहमत की शादी की बात नहीं कर रहा, मैं जैनब की शादी की बात कर रहा हूँ। जैनब की शादी रुकवा दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने लेकिन अब नहीं, अब मैं अपना हक छीन कर ही रहूंगी। पता नहीं रहमत कहाँ रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये दीजिए पूरे 30,000 रुपए, छोटी मोटी शॉपिंग कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 2-3 दिनों में मजीद पैसों का इंतजाम हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं होगी इसकी शादी पर। और क्या, मेरी इकलौती बेटी है, सारे खानदान की नजर इसकी शादी पर लगी हुई है, लोग देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने तो ना इसके लिए जोड़ा भी देख लिया शादी का, लाल रंग का है, इतना खूबसूरत है और मेरी बेटी खूब सजेगी इसमें। शर्मा के चली गई। अम्मी जान, सैनब के चेहरे पे खुशी और शर्म तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। निकाह होने वाला है इसका लेकिन चेहरा बुझा बुझा सा रहता है, कहीं हम जैनब के साथ जाती तो नहीं कर रहे। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, गलतफहमी है तुम्हारी, इसका भी दिमाग खराब है। जब से वफा इस घर से गई है अपने आप को चुप लगा दी इसने, जैसे इसकी दुनिया उजड़ गई है। उसे तो वहां फिक्र भी नहीं होगी, ऐश कर रही होगी और हमारे घर में खुशियां हैं मगर यहाँ सोग मनाया जा रहा। मैं आता हूं। तुम अब भी जैनब के बारे में सोचते हो ना, तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। पता नहीं, मैं नहीं जानता। तुम जानते हो इसलिए मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर, ताकि मैं तुम्हारे दिल की बात ना जान सकूं। अब इन बातों का क्या फायदा वफा, जैनब हमेशा मेरे दिल में एक तल्ख याद बनकर जिंदा रहेगी। उसकी याद हमेशा मुझे उस दुख का एहसास दिलाती रहेगी जो उसने मेरी बहन को दिया। खुद को बचाने की खातिर उसने हम दोनों की मोहब्बत को कुर्बान किया। और वफा, तुम्हारा घर भी तो उजाड़ा है उसने, मैं उसको कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। हसन, 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 हसन,
ये क्या हो गया इसे? कुछ नहीं, बस जैनब की शादी के बारे में बात की तो डिप्रेस हो गया। और तुम? What about you? शादी तो रहमत की भी हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। वैसे इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। बचा है बहुत कुछ, अभी देर नहीं हुई है, तुम बचा सकते हो। इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं थी, बहुत कोशिश की है। अब रहमत ही इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को निभाने में, तो मैं अकेले क्या कर सकती हूं? जो हो रहा है उसे होने दीजिए। तुम दोनों बहन भाई किसी और से नहीं, खुद से जंग लड़ रहे हो। खुद से जंग इंसान को निढाल बना देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। जीत हो या हार, नुकसान तुम्हारा ही होगा। बेहतर यही होगा कि तुम इस लड़ाई को छोड़ दो, हथियार डाल दो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अरे सारे काम ठीक हो गए ना, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, मेरे काम बहुत पक्के होते हैं खाला जान, बस अब तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। क्या हो रहा है यहाँ पे? सही खाला, फिर मैं दर्जी के पास से होकर आती हूँ, है देखो कितने जोड़े सी दिए, कम्बखत मारे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। अम्मी आपको क्या हो गया? क्या आप हर वक्त इस बीच वालों के साथ सर जोड़े बैठी रहती हैं? आप जानती हैं इस औरत को, ये कितनी खतरनाक और फसादन किस्म की औरत है। लड़ाइयां झगड़े करवाना, घर तोड़वाने में महारत रखती है। अरे जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए तो इससे सलाह मशवरा करती हूँ। क्या मतलब? ये कि मैं बेबी की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम मुझे मत समझाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सब कुछ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अम्मी बेबी बाजी आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक औरत है। समझ गई हूँ, आप इसे जैनब और वफा की शादी तोड़वाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है ना। अम्मी आप ये भी तो सोचे ना कि सज्जो का भी रिश्ता तय हो गया है, कहीं इसकी किसी हरकत से सज्जो के रिश्ते को नुकसान ना पहुंचे। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि रहमत और सजीला की शादी तुम्हारी आंखों में खटक रही है। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं सज्जो की सगी बहन, मैं उससे जलूंगी? मुझे उसका रिश्ता खुटकेगा? समझ गई मैं अम्मी, कौन आपको और सज्जो को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। बेबी बाची यही मेरी दुश्मन है। बहुत हो गया अम्मी, मैंने सौरत को इस घर में बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस आज के आज मैं उसे इस घर से निकाल के ही रहूंगी। अगर बेबी बाजी इस घर से जाएंगी तो आपको और खादिम भाई को भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहां से जाना होगा। वो यहां नहीं रहेगी तो आप दोनों भी यहां नहीं रहेंगे। क्या क्या क्या, तुम अपनी बड़ी बहन को इस घर से जाने के लिए कह रही हो? एक बहन की हैसियत से नहीं, इस घर की होने वाली बहू की हैसियत से बोल रही। बहू होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। अब वक्त बदल गया है और मेरे और रहमत के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। अब रहमत मेरा है। किसी खुशफहमी में मत रहना सज्जो, जब तक बेबी बाजी इस घर में मौजूद है ना, इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता, देख लेना। अम्मी कहीं हमने इनकी नन पे भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर ली? अरे रहने दे, इतनी उम्र मैंने ऐसे नहीं गुजारी, सब जानती हूँ, तू फिक्र ना कर। बेबी से मेरा काम हो जाए तो बस मैंने बेबी की छुट्टी करा दे। आई बात समझ में या समझाओ?
उन्होंने उम्मीदें बांध ली हमसे। मेरी बेटी की खुशियां तो देखी नहीं जा रही ना, दोनों माँ बेटी के सीने पर सांप लोट रहा है। वही तो, यही तो मैं कह रही थी कि रुसवाई होगी जमाने में हम सबकी। अरे एक तो रिश्ता गया सो गया हाथ से, अब कौन करेगा जैनब से शादी? खुदा का खौफ करो बीवी बाजी, तुम्हारी इस हरकत से रहमत की अम्मा की जान जा सकती थी। जान गई तो नहीं ना, अरे मेरा मकसद किसी की जान लेना हरगिज़ नहीं था।